हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री क्लास। आज हम लोग केमिस्ट्री क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है एस्टरीफिकेशन। क्या है एस्टरीफिकेशन? तो एस्टरीफिकेशन को हम लोग ऐसे समझते हैं कि जब किसी रासायनिक प्रक्रिया के दौरान एस्टर का फॉर्मेशन होता है उसे हम लोग एस्टरीकरण कहते हैं, एस्टरीफिकेशन कहते हैं। एस्टरीफिकेशन ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का पॉइंट है, कार्बोक्सिलिक एसिड का टॉपिक है, इसलिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे जब एसिड क्या करता है। एसिड अल्कोहल या फिनाइल से रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड मिनरल एसिड, तो एस्टर बनाता है और इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, एस्टरीफिकेशन कहते हैं। आपको इस वीडियो को एट लास्ट तक देखना चाहिए, यू शुड वॉच दिस वीडियो टिल एंड टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। सो स्टूडेंट्स, वी विल सी व्हाट इज एस्टरीफिकेशन। ओके, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं और आपको और भी किसी रिएक्शन के मैकेनिज्म, किसी भी और रिएक्शन के अगर मैकेनिज्म चाहिए आपको, तो आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, केमिस्ट्री विद संतोष पांडे, और उस पर आप कमेंट करिए, किसी भी रिएक्शन के मैकेनिज्म मैं प्रोवाइड करा दूंगा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा है कि एस्टरीकरण क्या होता है, एस्टरीफिकेशन क्या होता है, ये देखते हैं। एन एसिड रिएक्ट विद एन अल्कोहल और फिनॉल इन प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड सच एज कॉन्सेंट्रेटेड H2O4 और HCl गिव्स एस्टर एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एस्टरीफिकेशन। ऐसे लोग इसको अगर परिभाषित करें, द प्रोसेस इन विच एसिड रिएक्ट विद अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड मिनरल एसिड गिव्स एस्टर एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एस्टरीफिकेशन। मतलब वह प्रक्रिया जिसमें एसिड अल्कोहल से रिएक्ट करके जो है एस्टर मिनरल एसिड की उपस्थिति में, वह प्रक्रिया जिसमें एसिड अल्कोहल से रिएक्ट करके एस्टर बनाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एस्टरीकरण कहते हैं। ठीक है, अब इसके मैकेनिज्म या हम लोग रिएक्शन को देख लेते हैं। तो ये आपको क्या हो गया, CH3CO, देखिए एस्टिक एसिड हो गया, ये मिथाइल अल्कोहल है, ये एस्टिक एसिड और मिथाइल अल्कोहल रिएक्ट करेंगे और हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे, मिथाइल एसिटेट। क्या मिल रहा है यहाँ पे, मिथाइल एसिटेट। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को इसको जो है इसका आईपैक नेम जो होता है वो आपका एल्काइल एल्कनोएट होता है, तो हम लोग यहाँ पे मिथाइल एथेनोएट भी लिख सकते हैं और यहाँ पे आपको प्राप्त हो गया। अब स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे देखते हैं इसके मैकेनिज्म को देख लेते हैं। तो मैकेनिज्म में आप जानते हो कि H2SO4 एज ए कैटलिस्ट यहाँ यूज होता है, तो H2SO4 क्या करता है, फर्स्ट आयनाइज हो जाता है, ये आयनाइज होता है H+ और HSO4- में। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या देखते हैं कि ये H+ जो है इस ऑक्सीजन पे अटैक करता है और ये जैसे इस पे अटैक करेगा अपना पॉजिटिव चार्ज इस ऑक्सीजन को ट्रांसफर कर देगा, ये पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर कर देगा और थ्रू सिंगल बॉन्ड, जो सिंगल इसके साथ ये जो सिंगल बॉन्ड बना लेगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये इधर को यहाँ पे इसके साथ अटैक किया और यहाँ पे इसके बीच एक सिंगल बॉन्ड बन गया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। अब नेक्स्ट सिस्टम में क्या हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो अल्कोहल है, ये अल्कोहल मॉलिक्यूल है, इसका O इस कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करता है और जैसे ये कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा ध्यान देंगे वैसे ये बॉन्ड क्या होगा, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, अर्थात यहाँ पे ये बॉन्ड जो डबल बॉन्ड है यहाँ पे ये कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा और एक पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, अरेंजमेंट हो जाएगा। और ये ध्यान देंगे ये इसके साथ यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा, लेकिन इसमें आप ध्यान देंगे कि जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, ये बॉन्ड ट्रांसफर होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ध्यान देंगे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज इस ऑक्सीजन पे ट्रांसफर हो जाता है। पुनः एक बार ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए जैसे ये बांड बना हुआ है इस केस में, जैसे ये अटैक करेगा, हम लोग कहते हैं जैसे ये अटैक करेगा इसमें क्या होगा कि ये बांड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा और इसका पॉजिटिव चार्ज इस पर क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, देखो ये अटैक कर रहा है यहाँ पे, ये अटैक किया है यहाँ पे और बिल्कुल देखो ये बांड, अब हम क्या करते हैं यहाँ पे ये बांड यहाँ पे शिफ्ट करा देंगे तो ये क्या हो गया, सिंगल बांड में हो गया और यहाँ इसके पहले एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे दो लोन पेयर हो गए। ठीक है, और ये क्या किया कि अपना पॉजिटिव चार्ज, जैसे एक बार पुनः देखेंगे जैसे ये बॉन्ड शिफ्ट होगा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये अटैक करता है तो ये पॉजिटिव चार्ज इस ऑक्सीजन पर ट्रांसफर हो जाएगा। देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पर ट्रांसफर हो गया और इसके पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। ठीक है स्टूडेंट्स,
यहाँ पे हमने देखा, अगर अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या देखते हैं कि जो ऑक्सीजन होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और वो उस पर पॉजिटिव चार्ज वो बहुत मतलब देर तक रख नहीं सकता, इसलिए क्या करेगा वो उसको रिमूव करेगा। तो वो कैसे रिमूव करता है इसमें अगर हम लोग देखें यहाँ पे ध्यान देंगे, देखो ये जो हाइड्रोजन है यहाँ H+ के रूप में इस पर ट्रांसफर हो जाता है और H+ क्या कहलाता है प्रोटॉन, तो यहाँ पे क्या ट्रांसफर हो रहा है प्रोटॉन ट्रांसफर, तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं देखो प्रोटॉन ट्रांसफर लिख सकते हैं प्रोटॉन ट्रांसफर। तो ये प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाएगा और यहाँ पे ये प्रोटॉन के रूप में आ जाएगा अर्थात ये H+ के रूप में आएगा और ये H+ के रूप में आएगा, तो जैसे इससे जुड़ेगा ये अपना पॉजिटिव चार्ज को ट्रांसफर कर देगा, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर कर दिया है और ये यहाँ से H+ के रूप में निकला है तो ये बांड जो है यहाँ पर शिफ्ट होगा अर्थात यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा हट जाएगा, तो यहाँ पे हमने पॉजिटिव चार्ज हटा दिया है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखें, अगर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग देखते हैं तो इसमें हमने देखा क्या है कि ये जो ये पोर्शन है ध्यान देंगे बेटा ये है OH प्लस H2 करके हम लोग ने लिखा है, तो इस पे ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज बहुत देर तक मतलब रख नहीं सकता, ये क्या कर देगा मतलब रिमूव करना चाहेगा और ये रिमूव करने के क्या करेगा इस बांड को अपनी तरफ खींच लेगा, इस बांड को अपनी तरफ खींच लेगा और ये H2O के रूप में निकल जाएगा। तो हम लोग क्या दिखा दिए देखो H2O हमने यहाँ पे दिखा दिया माइनस H2O यहाँ पे दिखा दिया, अब देखिए यहाँ पे ये H2O अब पुनः ध्यान देंगे जैसे ये H2O के रूप में निकलेगा ध्यान दीजिए ये इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा तो यहाँ पे इसकी वैलेंस पुनः खाली हो जाएगी, जैसे ये निकलेगा उसी समय ये लोन पे होगा यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, तो क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉन को लेके निकलेगा, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा देखो यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा और जैसे ही यहाँ पे बॉन्ड लेगा वैसे इसकी बैलेंस यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये क्या होगा ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे और इसका पॉजिटिव चार्ज भी रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए जैसे ही अलग होगा वैसे ये बॉन्ड यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और जैसे ट्रांसफर होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ था तो जैसे ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा पॉजिटिव चार्ज पुनः इस पर जनरेट हो जाएगा, देखो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे जनरेट हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो ये केस है ध्यान देंगे ये केस है ऑक्सीजन पे यहाँ पे एक बार पुनः जो है पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज बहुत देर तक टॉलरेट नहीं कर सकता बहुत देर तक रख नहीं सकता, तो उसके लिए क्या करेगा कि पॉजिटिव चार्ज को रिमूव करना चाहिए, तो इसका एक ही ऑप्शन है ये क्या करे इसके इलेक्ट्रॉन को ले ले अर्थात H+ के रूप में इसको रिलीज कर दे, तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन को लेगा इसका प्लस क्या हो जाएगा चूंकि ये इलेक्ट्रॉन H+ के रूप में रिलीज हो रहा है ध्यान देंगे H+ के रूप में रिलीज हो रहा है और यहाँ पे क्या हो जाएगा चार्ज का फिनिश हो जाएगा, तो यहाँ पे हम क्या देखते और यहाँ चार्ज फिनिश हो गया यहाँ पे डबल बॉन्ड अर्थात दो लोन पेयर हो गए और ये आपका एस्टर बन गया और ये आपकी मैकेनिज्म है बेटा, तो ध्यान देंगे एस्टर फॉर्मेशन एस्टर ये आपका बन गया और ये इसके मैकेनिज्म है, तो इसको आप एक बार पुनः देखें तो लेट अस एक्सप्लेन इन इंग्लिश, सो यहाँ पे हम लोग देते हैं H2 आयनाइज इनटू H+ एंड HSO4- दैट H+ अटैक ऑन दिस ऑक्सीजन एंड इट ट्रांसफर पॉजिटिव चार्ज टू ऑक्सीजन and form single bond, so this form a single bond, it has form single bond and it has transfer positive charge there, so for it is first step like this we can say, and in second step what happening the alcohol molecule attack on the carboxylic carbon, in this carboxylic carbon what we see that this oxygen attack the carboxylic carbon in during that time when carboxylic carbon attack as soon as carboxylic carbon attack so this bond shifts that side and positive charges are removed, so as soon as it transfer that so positive charge is generated and when this oxygen attack this so positive charge is being transferred to oxygen, so what we have seen the positive charge is being transferred to oxygen and it has bonded like this and this change into single bond, so it change single bond, in the next step what is happening that proton means this H plus is means H from H here is being transferred to here in form of H plus, so H plus you know that it is known as a proton and what is happening here proton is being transferred, so this step is called proton transfer, so in this proton transfer when that will be transferred so here H is there one more H will be added there, so H plus is being transferred here to
if this coming as S plus, so it will transfer positive charge to this oxygen. So it is positive, positive charge is transferred. Here it is a like this, it is unstable, so it will break this bond from here. It will break this bond from here. As soon as this bond will break, so this electron will be transferred and this will change into double bond. But this will change into double bond, so that when positive double bond will be formed here. Double bond will be formed there, and that double bond is formed here. We can see like this, and positive charge again generated. Positive charge again generated. Why positive charge generated? When it will draw, when it will draw this, so it will draw both electrons. So here will be positive charge. So it will be transferred. So positive charge will be transferred to next atom, means oxygen. Okay. So here oxygen. In this, what happening? In this, that it is in this form. And what we have seen, H is there. So what happened? H and a plus is there. So it is unstable. Being unstable, and we will want to be stable. For that, it will release S plus. Means this electronegative element will draw the electron of this, means this bond pair electron, it will draw and it will release as S plus. So S plus is released there. Okay. And next step, what is that? If that will be released, so this positive charge will be removed. So what positive charge is removed and ester is formed. So students, we have seen that what is the mechanism of this reaction. Esterification mechanism हमने देखा यहाँ पे, और esterification mechanism को आपको अच्छे से समझना चाहिए. अगर if you want more video related to any mechanism, you comment to my channel Chemistry with Santosh sir. What is Chemistry with? My channel name is Chemistry with Santosh Pandey. My channel name is this. So you can subscribe my channel for more videos related to chemistry. What is my channel name? Chemistry with Santosh Pandey sir. You can subscribe my channel. Okay students, and keep watching my videos. If you want any more mechanism, any topic related to chemistry, you can comment on my channel and will provide the video about that topic. Okay, thank you students.